कितना अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। यही एक जगह है जहाँ पे मैं रात में आके नीचे देखता हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यहाँ पे बहुत शांति है। एक मिनट ऑन स्पॉट, वो भी इतनी रात में, कोई दिक्कत है क्या? अरे काम पे भाई, मेरी मदद करो भाई, मेरा सारा सामान पता नहीं कहाँ चला गया अपने आप ही। और भाई पता नहीं, लिटरली मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया। और मैं पता नहीं कौन, मैं दो दिन से ही भूखा हूँ और मेरे पे कुछ नहीं है भाई। आप पे कुछ हो तो मुझे प्लीज दे दो, मैं बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हूँ। अरे हंसपॉट, इतना डरे हो क्यों और क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, पहले तुम लोग खाना खाओ फिर मुझे बताना आराम से। लो पहले खाना खाओ फिर मुझे बताना, ठीक है? एंड मुझे तुम्हारा शक्ल देख कैसे लग रही है कि तुम्हारे सामने कोई भूत आ गया है। लो पहले खाना खाओ। लो क्राउड के बाद थैंक यू, मैं खाना खिलाने के लिए, मैं कितने दिनों से भूखा था, आपने मेरी भूख मिटा दी। आपने कुछ आर्मर वगैरह भी है? क्योंकि उस बंदे ने मेरा पूरा आर्मर छीन लिया है। वो बंदा इतना ज़्यादा चतुर है, पता नहीं क्या कर रहा है वो। पता नहीं मेरा अचानक से इन्वर्टरी का खाली कैसे कर दिया उसने, इन्वर्टरी, और मेरा पूरा सामान ले लिया। कोई बात नहीं, मेरे पे एक एक्स्ट्रा आर्मर था, शायद वो तुम्हारे लिए था, पता नहीं कैसे मेरे पे रखा हुआ था। तो लो इसे पहनो और डरो मत ज़्यादा। कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि ये हमारे वैसे भी आजकल कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है किसी को कि क्या हो रहा है हमारे साथ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ गई है। आप डरो मत, हम इसका पता लगा लेंगे। आप आराम से घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग इसका पता लगाएंगे ज़रूर। थैंक यू डॉक्टर भाई, मैं चलता हूँ। आपको आपकी मतलब मदद से मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलो बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। स्पॉट ऐसे क्यों बोल रहा था जैसे उसके उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, बट वो बता भी तो नहीं रहता कि किसने अटैक किया। मुझे लगता है ये उन्हीं बंदों की करामत है जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा बहुत जीना हराम कर रखा है। वही स्पॉट के साथ भी उसने उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। स्विन भाई क्या प्रॉब्लम है? आप इतना डरे हुए क्यों और इतने जल्दीबाजी में क्यों? मुझे बताओ क्या हुआ? आओ चलो, आप थक गए होगे लग रहा है मुझे, चलो बैठ के बात करते हैं। अश्विन भाई को अचानक से इतना ज्यादा डर कैसे लगा? ऐसी कौन सी चीज़ बहुत बुरा काम कर दिया हमारे सर पर, बुरा काम कर दिया, उसका पता हमें जरूर जल्दी लगाना पड़ेगा। पहले ऑन स्पॉट अब अश्विन भाई, ऐसी क्या चीज़ मुझे डरा? अरे काफी भाई, हम जब पिछली बार गए थे जहाँ पे, वहाँ पे अचानक से बहुत सारे बिल्ड्स हो चुके हैं और बहुत ज्यादा स्कैरी है, उस वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। मैं अभी देख के आऊँ, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं उसको आपको बताया जाए ये बात है, एंड उस बंदे का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे अश्विन भाई, आप होश में तो हो? आप सोए भी हो रात में या फिर आपने बुरा सपना देखा है सिर्फ? कोई इतनी जल्दी इतने सारे बिल्ड कैसे बना सकता है? हम लोग बहुत ही कम टाइम में तो गए थे उस जगह पे अभी घूमने, लिटरली कोई ऐसे कैसे हो सकता है? अश्विन आपकी भाई नींद पूरी नहीं हुई लग रहा है मुझे, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे कांटी भाई, मैं पूरा सोया हूँ, मैं आज ही वहाँ से टहल रहा था, मुझे दिख रहा है वो जगह। मुझे पता था आपको विश्वास नहीं होगा, तभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। ओके चलो, अब हम लोग देख ही लेते हैं क्या बनाया उसने दोबारा से। तो हम लोग यार यहाँ पे से तो रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, बट मुझे तब भी एक चिंता थी कि वहाँ पे जाके हमें कोई ना प्रॉब्लम हो एंड हमारे रास्ते में सब कुछ ठीक जाए, मतलब कि लिटरली कुछ ज़्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम ना हो रास्ते में, क्योंकि वो बंदा हमें चारों तरफ से देख ही रहा है, हम पे नज़र रख रहा है। तो लिटरली वो बंदा कहाँ पे ये हमें भी नहीं पता है, बट उसे पता है कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, वो हमारी बातें सुन रहा है। क्योंकि पिछली बार हमारे साथ यही हुआ था, हमने जो भी प्लान बनाया था आपस में उसको पता चल गया था, तो लिटरली वो बात ये सुन रहा हो ताकि वो हमारे बिल्ड में, मतलब हम जहाँ जा रहे देखने के लिए वहाँ पे वो हमें मार ना दे। तो मुझे बहुत डर लग रहा है एंड मुझे बहुत डर डर के जा रहे हैं, और वो बिल्ड भी देखना जरूरी है ताकि कि उसने क्या बना रखा है एंड जो मेरा हमारे डार्क पीस को बहुत बर्बाद कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसका कुछ ना कुछ, वो आखिरकार हमें जानता है अच्छा, बट हम लोग नहीं जानते उसे। तो हम लोग बातें करते करते अपने घर तक तो पहुँच गए, बट यहाँ से सुना होता है इसलिए समझा, क्योंकि वो जगह से कोसों दूर है, तो उसे पैदल पार करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। हम घर तक तो आ गए, बट मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहा था, हमारे पास मॉब बहुत आ रहे हैं, मेरे पास कहीं मुझे शक है कि मॉब कोई तो नहीं भेज रहा बंदा, और लिटरली हमारी जान के पीछे पड़े हैं, हमारी जान के पीछे।
तो अश्विन भाई ने तो मुझे बचा लिया यहाँ पे, क्योंकि एक मॉब मेरे पीछे आ रहा था। हम यहाँ से शुरू करेंगे सफर अपना एंड आगे देखेंगे क्या होता है हमारे साथ। अब हमारा सफर होता है यहाँ से स्टार्ट और हमारे सफर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी आगे जाके, जिससे हमें बचना है चलते चलते हमारा आधे ज्यादा सफर बीत चुका था और हम अपनी मंजिल से बस थोड़ी सी दूर थे। और यहाँ पे हम लोगों को चलते चलते थोड़ी सी थक गए थे हम लोग थोड़े से, और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आराम कर देना चाहिए। बट मैं यार अपने मन ही मन में डरता था कि आगे जाके क्या होगा। बार बार अश्विन भाई की बातें सुनते तो मेरे दिमाग में वही चल रही थी, जिसके वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। बहुत ज़्यादा चलने के बाद अब धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और मुझे डर था कि रात में हमारे साथ कुछ ना हो, क्योंकि मैं पूरे रास्ते डरते डरते आया और हमारी मंजिल बस थोड़ी सी दूर थी और हम लोग फाइनली वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखा जिसको देख के मेरे को बहुत डर लगा। मैं इंस्पेक्ट नहीं कर सकता कि इतने जल्दी कोई कर सकता है कुछ भी। आप लोग भी देखो, हमारी सोचने की लिमिट एकदम से कम हो गई। कोई बंदा इतना तगड़ा कैसे बना सकता है, वो भी इतनी जल्दी, मुझे अब धीरे धीरे और जा रहे थे। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करना जाए, और मैं तो भाई बहुत डर गया था ये सब देख के। एंड अश्विन भाई ने आज सुबह यहीं पे टहल रहे थे एंड मैंने भी पहली बार उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, बट ये सच था, अब मुझे बहुत डर लग रहा है धीरे धीरे। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एंड एक जगह से दिमाग हटा ही था तभी मैंने देखा कि और भी एक घर बना हुआ है जिसमें लिटरली कोई नहीं रहता और उसमें अंधेरा बहुत बड़ा था। इसमें मैं समझना भाई बहुत ज़्यादा मैं डर गया था। अंदर एकदम अंधेरा अंधेरा, वही रहने की उम्मीद भी कैसे कर सकता है अंधेरे में। मुझे तो सोच के डर लगता है जब मैं अंधेरे में रहता हूँ। बट अश्विन भाई ने हमें लाइट लगाई एंड हम लोग थोड़ी सी बातचीत करने लगते हैं। बट मुझे तब भी शक था इस घर पे कि कोई हम पे नजर रख रहा है और कुछ ऐसे ही हुआ। कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड इसके ऊपर भी एक कमरा था, इसके ऊपर ये तीन कमरे थे लिटरली, मुझे बाद में पता चला। और ये घर देखो गाइस कितना ज़्यादा सुनसान है और एरिया पे कैसे बना हुआ है, इस पे आगे पीछे हर जगह मॉल से मॉल। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मेरे को एक पल भी यहाँ नहीं बैठना था। बट हमें कुछ बातचीत करनी थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। देखो हर जगह डरावनी चीजें, और मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पे कोई
इतना सुनसान में कैसे रह सकता है। और यहाँ पे दो घर थे, एक ये वाला और एक जहाँ से हम लोग अभी आए, लिटरली वहाँ पे घर नहीं था, शॉर्ट था पे घर। भाई हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ देखी ना इसके अंदर, ऐसी चीज़ जिसको देखने के बाद हमारी तो एकदम रूह खराब हो गई। लिटरली उसको देख के ऐसा लगा कि अब बस यहाँ से जल्दी चलो, बहुत हो गया। एंड यहाँ पे अश्विन भाई बैठे थे आराम से, बट उन्हें कोई चीज़ दिखी और मुझे भी कि ऐसा लग रहा था कोई ऊपर से हमें देख रहा है। और लिटरली हमें बहुत ज़्यादा डर लगा, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के अलावा जो कोई इस कमरे में है या कोई ऊपर फ्लोर पर रहता है। और लिटरली उस चीज़ को देख के एकदम से हम डर गए। और फिर हमने फैसला कर लिया, कि यहाँ से हमें चलना चाहिए जल्दी। इतना तो कंफर्म था कि जगह स्थापित है और कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, बट हम बात से अनजान थे। बट हमारे सामने भी कोई नहीं आ रहा था जिससे हम बता सकें वो एंटिटी है या कोई प्लेयर है जो कि हमसे बदला लेना चाहता है। वो हमारे पीठ पीछे काम कर रहा था, बट उसे हमारी बातें पता चल जा रही थी। उस जगह पे अगर हम लोग इस जगह सारी पूरी जगह पे अगर हम ज़्यादा देर तक रुकते तो यही जगह हमारी मौत का कारण बन जाती। और यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स हमसे लड़ाई कर रहे थे और हमारे पे भागने के अलावा कोई चांस नहीं था, कोई दूसरा रास्ता था। यहाँ पे हम लोग हैंडल पल इकट्ठा करके जा ही रहे थे और अश्विन भाई निकल चुके हैं यहाँ से। अश्विन भाई तो लाएंगे कि आ जाओ भाई चलते हैं। यहाँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा देता है। मैंने एक एंडर पल फेंका और मैंने कितनी दूर आके स्पॉन हो गया, जितना दूर इम्पॉसिबल एंडर पल थी, मैं अपने ही गेट पे आ गया था जहाँ पे हवेली वाला गेट है। लिटरली वो जगह बहुत ही ज़्यादा दूर थी उस जगह से, बट मैं यहाँ पे कैसे आ गया मुझे आज भी नहीं पता। बार बार अश्विन भाई को नीचे देख रहा था, मैं वो नीचे तो नहीं, उन्हीं ने तो मुझे टेलीपोर्ट नहीं किया जल्दी से, बट अश्विन भाई का कोई नाम और निशान पता पता नहीं। अश्विन भाई अभी भी वहीं पे हैं, उनसे पहले मैं आ गया, बट कैसे एक एंडरपल से इतने दूर का सफर कैसे तय करा जा सकता है। अब मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं पूरी रात से सोया नहीं था, चक्कर आ रहे थे अब। और अचानक से अब सुबह हो जाती है, बट अश्विन भाई का कुछ अच्छा पता नहीं, मैं यही सोच रहा था अश्विन भाई कहाँ पे, और फिर झटके से ही लाइटर लेके आ गए। अपने अश्विन को मैंने देखा यहाँ पे तो मेरे जान में जान आई कि भाई मेरे छोटे भाई को कुछ हुआ तो नहीं, बट वो सही सलामत था। मुझे बहुत खुशी हुई कि उसको किसी एंटिटी या मॉब ने नहीं घायल किया, एंड लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। एंड वो मेरे से बार बार यही पूछ रहा था कि क्राफ्टी भाई आप पहले कैसे आ गए यहाँ पे, कुछ हुआ है क्या आपके साथ, कुछ हुआ है। उसके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एंड बीच में हमारा साथ छूट गया तो ऊपर से और मुझे डर लगने लग गया कि वो बंदा किसी भी बंदे की बॉडी कंट्रोल कर सकता है और वो किसी भी ट्रेवल करवा सकता है उसको। और भाई मेरे को कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था उस बंदे से, ज़्यादा ही डर लग रहा था। यहाँ पे मेरा अश्विन बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से डर गया था, यहाँ पे मेरा अश्विन डर गया ज़्यादा। भाई अब आपको भी नहीं पता ये कौन कर रहा है और मुझको भी नहीं पता, अभी इसका पता सिर्फ एक ही बंदा निकाल सकता है जिसने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को केस सॉल्व किया, जैसे सनपाई और वगैरह स्पॉटिफाई, और वही अब हमारा केस सॉल्व कर सकता है इजीली। अरे कौन है अश्विन, जल्दी मुझे बता भाई, ऐसा बंदा है तो मुझे जल्दी बता। डिटेक्टिव इसके लिए बड़ी मदद कर सकते हैं।